हाँ जी, आज असी जा रहे हैं सैन जोन आइलैंड। कई सारे आइलैंड ने, फ्राइडे हार्बर मेन आइलैंड है, लोपाज है, तो इसका स्टार्ट पॉइंट है एनिकॉटस। तो एनिकॉटस वाशिंगटन स्टेट का है, जिहड़ा सिएटल वैनकूवर हाईवे है वो तो थोड़ा जा साइड से 30 मिनट से है। उतो असी मुड़ के हुण पहुँच गए, मेरे पिछे देख लो तुसीं ओ फेरी आ गई है। फेरी ते चढ़न वाली लाइन लगियां ने, पिछे सी व्यू है। तो असी जिवें जिवें जावांगे तुहानूं दिखाउंदे रहांगे। आ गड्डियां आ गईयां थोड़ियां जिहियां, होर तुहानूं दिखा दिंदे आ। सारियां गड्डियां लाइन लगी है। हाँ जी, लाइन लगी सेंट जोन जॉन की। पिछे पहाड़ दिख रहे हैं, लाइन है। हुण असीं इस लाइन च खड़े हाँ। लो जी, एंटर हो गए आपां फेरी ते। आ गई फेरी। हाँ जी, ओ फेरी ते, वी आर द फर्स्ट वन टू रीच लास्ट। ओके, पसेंजर डेक ते सीटा लगिया है, बैठन वास्ते रश घट है। वाओ, आ देख लो जी फेरी दे उपर दा व्यू। इस फेरी दा नाम है, ये फेरी जाऊगी सानू इथों लैके सेंट जोन आइलैंड है। उत्थे घूम करके आवांगे, देखांगे ते तुहानू वीडियो दिखावांगे। वड्डे वड्डे पिलर ने जिन्हां नाल आके डॉक कीता, इहनू बन्नी है। बोट आ रही है, इक उत्तों देख रहा नज़र आई इहदे विच। हाँ, नज़र आ रही है तुहानू बोट, अपने कोल दी लंघूगी। छोटी बोट है, जी असीं पहुंचण वाले आ हुण। लैंडिंग देख लो, हुण आपां पहुंचण वाले आ। लैंड करेगा, उतरांगे गड्डी च, बैठांगे, वापस चलांगे। सेंट जोन पहुंच गए आ। प्रोसीजर देखो, उन्हां दे परफेक्ट ने, बिल्कुल जाके उसके नाल लग जाना। तैयारी है, रैंप लाउन की तैयारी हो रही है। देख लो, बुढ़े कुड़ियां
ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਰੀ 'ਚ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ
भी रोश हार्बर है, सेंट जॉन आइलैंड का पार्ट है। अज असी इतने आए देख, सब तो पहले असं देखते हैं इतने पुरानी मशीनरी है, ये लगता तुहानू ये जनरेटर ने फेयरबैंक्स मूर्स दे ने जनरेटर जो इतने बनाए सी। उन्होंने जो तो टाउन सी पहला 150 पावर का एक 2 cycle जिहड़ा जनरेटर सी वह परले पासे बनाया, इतों सारे टाउन नू जिहड़ी बिजली सप्लाई हुंदी सी। फिर आ 1930 विच आ वड्डा फेयरबैंक्स मूर्स का 3 cylinder जो है इंजन बना के डायरेक्ट इहनू पावर दित्ती। इतों जो पावर जाती सी आ बैल्टां नाल जनरेटर सी पूरे टाउन नू। लाइम प्लांट सी बेसिकली इत्थे जिहड़ा लाइम प्लांट, यानी कि जिन्नी कंस्ट्रक्शन हुंदी सी पहला सीमेंट नहीं सी, लाइम मोटर नाल हुंदी सी उहदे नाल कंस्ट्रक्शन करदे सी, उहनूं पावर दिंदे सी। ते पूरा इत्थों जिहड़ा धुआं सी सारा ब्लीच हो जांदा सी। ते इस करके 1950 च इत्थे जिहड़ी आ नॉर्मल इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी आ हुण यूज हुंदी आ उह आई। उदों तक इत्थे डीजल पावर जनरेटरां नाल ही पावर सी। इह जो हार्बर है जैपनीज़ काफ़ी लेबर सी ते उन्हें दी हार्डमेंट सी। आ देख लो तुसी ले हार्बर बहुत बढ़िया बीच। जदों ब्रिटिशर्स नाल समझौता होया 1859 च, उदों बाद ये चीज़ां जो ने इत्थे उन्हां दे नाल जॉइंटली कमांड हो गई। बहुत बढ़िया व्यू है। अजकल इत्थे एक रिजॉर्ट है, वधिया रिजॉर्ट है, बोट ने जिन्हें ने आके इत्थे बोट च रहना है, घूमना फिरना है, बहुत वधिया है। सेंट जॉन आइलैंड्स सिएटल और वैनकूवर तो जो आप जाने रस्ते चो लैफ्ट ते पैंदे ने सी वाले पासे ने, ते फेरी ते इत्थे आना पैंदा, डायरेक्ट रोड नहीं है। बहुत वधिया जगह है देखने वाली, घूम फिर के अज असी भी देख रहे हैं। ते इधर इन्हां दा रेस्टोरेंट है, अकोमोडेशन है। ये देख लो जी अमरीका दियाँ चीज़ां, आ साइकिल स्टैंड, इलैक्ट्रिक गड्डियां दी पार्किंग अलग है। फिश दी स्मेल आ रही है क्योंकि हार्बर है, फिशिंग भी, फिशिंग बोट्स भी होनियाँ ते आउंदियां ने। देखते रहो साडा चैनल ते असीं तुहानू दिखाउंदे रहिंदे नवीं नवीं चीज़ां। देख लो अंग्रेजा जमा की करता, मिट्टी खेड़ता, किसी चिंता नहीं है। साढ़े पंजाबियों नूं चिंता रहिंदी, ओए रे आ जा, ओ मिट्टी च ना खेड़, कपड़े गंदे हो जाणगे। आ देख, चलो इहनां नाल गल करदे आ। हाय, हाउ आर यू? फ्राइडे हार्बर सेंट जॉन आइलैंड। देखो देखो सी का नज़ारा है नहीं साढ़े तो सिवा इतने कोई भी। ओ लकड़ बथेरी पई है,
हिम्मत चाहिए है जला के सेकण नू। सेकण वास्ते जगह भी बनी है। ओहो पत्थर भी पे ने, बैठने दी कुर्सियां भी इंतजाम है भाई। हिम्मत नहीं हो लुपर दूरों तक पई है। फ्राइडे हार्बर ब्रिटिशर्स नाल जदों समझौता हो के उन्होंने इतने जॉइंट कमांड बनी 1869 च इतने फौजा सी, बंकर बनाए, कैंप सी। आ देखो अग जगा के बैठन का जुगाड़ तक किया है। बहुत है हवा, बहुत है ठंड है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है अग जला के बैठन की, ना ही जलूगी इन्नी ठंड। चलते हैं फटाफट गड्डी बैठते हैं, अगली जगह चलते हैं। इतने आए थे दूर दिया बीचेस ने, इतने कड़ा रश होता। गर्मी तो गर्मी होगी। देखो पानी पीछे जा रहा है, इंपैलर दे पीछे सिट रहे ने पानी, बोट अगे जा रही है। हाँ शुरू हो गई दोबारा। हाँ जी आप बैठे थे, जाओगी लोपास, लोपास तो फिर हरिकोटा, हरिकोटा तो बाद असी फड़ांगे अपनी गड्डी, तो उतों फिर बाय रोड असी जावांगे सियाटल। तकरीबन 1.5 घंटा है फेरी। देख लो गड्डियां लोड हो गई, इस तरह लाइन लगी है गड्डिया की। बिल्कुल हम ऊपर सीटा से भी जावे, दिखा देंगे तुम। बिल्कुल साड़ी गड्डी खड़ी है, अभी लोड कर ली है, गड्डी भी साड़ी लोड होगी। काफ़ी देर सानू वेट करना पिया इतने, क्योंकि बुकिंग होंगी है। जो बुकिंग साढ़े को ना हो तो फिर तुम वेट लिस्ट आ जाने, जो जगह हो तो तुम ले जा सकते हैं। 107 गड्डिया लेके जाती है फेरी, तो असी लकी सी भी अज उन्निया गड्डिया नहीं सी, तो साड़ी भी बारी आ गई, क्योंकि सानू ये पता नहीं सी भी रिटर्न जी है बुक करनी है, असी नहीं की। आते असी गए रिटर्न पर असी नहीं बुक की थी, पर चलो कम हो गया साडा। वो देख लो हूँ आईलैंड है नाल, वधिया सोहणे करने दे नाल, जे बोट से जाके रहना होवे बोट दे नाल, ए नाल अनाउंसमेंट हो जाती है, दसी जाता है सानू फेरी दे रूल्स। और देखो छोटी जी बोट दिखाने तुहानू, कितना सोहना घर बनया। टापू है, टापू के किनारे है, बोट नाल आन जान है। बहुत खूबसूरत जगह है। कल वैदर बहुत वधिया सी, धुप सी, अज वैदर उन्ना वधिया नहीं सी, हवा भी चल रही है ते बदल वाई रही। हुण असी एक वारी तुहानू लास्ट व्यू दिखावांगे इत्थों दा, फ्राइडे हार्बर दा। फिर फेरी टर्न लैके मेन सी चाहू, और मेन सी तो बाद असी लोपास आइलैंड वाल मुड़ जाएंगे। लोपास आइलैंड तो फिर हरिकोटा लास्ट स्टॉप होएगा। घंटे घंटे दियाँ दोनों ये टर्न ने साडियाँ, तुसी देख सकते हो। वो हार्बर पिछे हुण
ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਰਬਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਹਾਰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸੈਨ ਜੋਨ ਆਇਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੀਐਟਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਰਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਵਾਟ ਏ ਵਿਊ। ਮਾਸਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਬਾਹਰਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿੱਘ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ, ਓ ਹੋ।